आज वो मौजूद हैं देश परदेश रेस्टोरेंट में। जैसे कि अमूमी तौर पर लोग सोचते हैं कि शेफ़ तो पढ़े लिखे नहीं होते, कोई भी उठ के शेफ़ बन जाता है। आज हम इस बात को गलत साबित करने जा रहे हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं शेफ़ तौकीर अहमद साहेब, जो कि देश परदेश रेस्टोरेंट के ऑनर भी हैं। उनके साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे और हम आज उनके शोबे के बारे में कुछ जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। अपने बारे में कुछ बताइएगा। मैं कुछ नहीं, बस मैंने अमेरिका से पढ़ा सारा जी। पढ़ने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने इस फील्ड में आना है, लेकिन उस वक्त तक मैं MBA वहाँ से कर चुका था। MBA करने के बाद फिर मैंने होटल लाइन में जो है वो डिसाइड किया आने के लिए, और फिर वहाँ से मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपनी है होटल्स की, उन्होंने फिर मुझे अमेरिका से रिक्रूट किया, तो मैं अमेरिका से उनके साथ फिर पाकिस्तान में आ गया जी। और यहाँ पर आके तो फिर मैंने तकरीबन काफ़ी देर उनके साथ काम किया, और मैं उनके साथ दुबई में था जब मैंने डिसाइड किया कि मैंने अपना जो रेस्टोरेंट जो है ना खुद बनाना है, और इस तरह से फिर हमने मैंने उस कंपनी को छोड़ा। छोड़ने के बाद मैंने फिर इस देश प्रदेश रेस्टोरेंट की बुनियाद रखी, जिसकी 3-4 हमारी ब्रांचेस भी हैं, और इस तरह से फिर अब ये मुझे हो गया तकरीबन 16 साल इसी रेस्टोरेंट से। तो इसके अलावा मेरा जो है ये है कि मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ कुकिंग, कुकिंग वगैरह पढ़ाता हूँ, और क्योंकि मैं खुद ये सीखा पढ़ा मैं गया ऐसे स्कूल में जो IV स्कूल है, उसका नाम है कॉलोनी श्रफर का, उसे एब्रीविएशन में कहते हैं CIA। तो इसलिए मैंने पहले उसका बता दिया कि CIA सुन के कुछ लोग जो ना CIA वो वाला नहीं है CIA। तो उस स्कूल से फिर मैंने पढ़ के ग्रेजुएट हुआ पढ़ा बक्सर का, तो इस तरह से फिर मैंने इस फील्ड में आके इस रेस्टोरेंट को खोला। तो फिर सब बड़ी हैरानगी की बात है कि आपने MBA किया, और उसके बाद आपको शौक कैसे आया कुकिंग का, होटलिंग का शौक आपको कैसे आया? मैं जब MBA किया ना, तो MBA आपको पता है बेसिकली मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो बेसिकली है ये बिजनेस ही। तो जब मैंने MBA किया, मैंने कैंसर से किया, जिसे मिसप्रनाउंस करते हैं पाकिस्तान में ना लोग कंसास कहते हैं, तो स्टेट का नाम है कैंसस। तो वहाँ से मैंने कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी से किया, तो मैं होटल लाइन में मुझे रिक्रूट कर लिया, मैंने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जब मैं कुछ साल काम कर लिया तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे किचन के बारे में कुछ नहीं पता। थोड़ा सा हॉस्टल थोड़ा पता था, लेकिन कुकिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरे साथ ज्यादातर जो काम करते थे लोग गोरे थे, जर्मन थे, ऑस्ट्रेलियन थे, फ्रेंच थे, तो वो उनके साथ डील करते हो ना, वो ट्रेट ऐसे करते थे कि जैसे पंजाबी कहते तेनू की पता है, अक्सर कोई होते ना वो सियाने, तो वो मुझे भी बड़ी चीज मुझे बॉदर करती थी। तो फिर मैंने एडमिशन लिया कॉलेज ऑफ अमेरिका, ये आईवी स्कूल एफिलिएटेड है कॉर्नेल से। तो फिर मैंने अपना जॉब छोड़ी जी। मैंने फिर पैसे इकट्ठे किए, फिर मैं 2 साल वापस जाके डिग्री की मैंने वहां से, और फिर मैं वहां से सर्टिफाइड शेफ होके निकला। तो इस तरह से मैंने इस फील्ड में पांव रखा। अच्छा, इस फील्ड का फ्यूचर क्या है होटलिंग की फील्ड का, और क्या कोई कुकिंग स्कूल्स वगैरह बने हुए हैं जो बच्चों को सिखाते हों प्रॉपर, कोई इस तरह के स्कूल्स पाकिस्तान में हों? पाकिस्तान में तो नहीं है। अच्छा, एक दो है, लेकिन उनका मेयार जो है ना बहुत अच्छा नहीं है। चलो मैं आपको पोलाइटली कहता हूँ जी, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहता। तो लेकिन ये कि जो बच्चे आके ना उससे सीखते हैं जी, वो लोग अगर उनके पास तालीम और हमसे सीखें तो उनका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। और ये तो ये जो हॉस्पिटैलिटी है जी, ये आपकी टूरिज्म जो है, ये सारे एक ही फील्ड है, और आपको पता है कि दुनिया में जो नंबर 2 या 3 इंडस्ट्री है वो ये हॉस्पिटैलिटी है। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हैं, काफी ज्यादा मौजू पे बात करते रहते हैं, बिल्कुल। तो क्या इस किस हवाले से ज्यादातर बात करते हैं? ज्यादातर मैं हॉस्पिटैलिटी पे बात करता हूँ, उसके बाद सोशल इश्यूज हैं, जैसे मैं आप कहा कि मैं बाहर के मुल्क में रहता हूँ तो मैं इधर भी रहता हूँ, तो मेरी वो जो बैकग्राउंड है ना यहाँ और वहाँ पे, और बहुत सारे लोग यहाँ पे बड़े दीवाने हैं यहाँ से मुल्क से बाहर जाने के लिए। मेरी तो वजह थी कि मेरी मदर थी वहाँ पे, तो मैं बड़ी यंग एज में चला गया, तो तालीम भी फिर वहीं पर पूरी कर ली मैंने। यहाँ पे लोग जाते हैं यहाँ से ना इलीगली जी, और फिर एक लफ्ज़ यूज करते हैं उसमें मूवीज भी बनी है डंकी लगा के, और डंकी लगा के जाने का मतलब ये है कि आप अपनी जान जो है खतरे में
डाल रहे हैं, बहुत सारे लोग रास्तों में बेचारे मर जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसलिए वो जो है ना, अगर आपने बाहर जाना है तो उसके बारे में फिर मैं बात करता हूँ कि आप अगर ये तालीम ले लें और कोशिश करें किसी कंपनी के जरिए। अब मेरे बहुत सारे शागिर्द हैं, बहुत ज्यादा, जो दुबई, अबू धाबी, शारजा, ओमान, सऊदी अरेबिया, कतर में तो बहुत ज्यादा है, बल्कि अभी भी उसके बच्चों को लागत ला। मेरे अभी इस वक्त जो है दो बच्चियां मेरे किचन में अभी ट्रेनिंग ले रही हैं। उससे पहले एक दो बच्चियां थी, एक दोनों कनाडा चले गई हैं। अच्छा। कुछ बच्चे हैं वो भी कनाडा में हैं, कुछ यूरोप में हैं। तो फिर ये इस तरह से ना हम लोग कोशिश करते हैं। तो साहब आप ट्रेनिंग फ्री में देते हैं? हम फ्री में देते हैं, बल्कि पैसे भी देते हैं पहले से। अच्छा, स्टाइपेंड भी देते हैं? जी जी बिल्कुल देते हैं। और उसके लिए हमें ये होता है कि चले जब ये कहीं जाएंगे हमारे बारे में भी, चले कभी कोई बंदा अच्छे अल्फाज में, क्योंकि हमने कहा था कि स्कूल पाकिस्तान में नहीं है अभी, जहाँ अभी एक दो स्कूल है जो बहुत पैसे लेते हैं बच्चों से। ये बच्चियां भी ऐसी थी जो लाखों दे के किसी स्कूल में पढ़ रही थी, और जब मेरे पास आए तो उनको प्रॉपरली जो किचन लाइफ नहीं, उसकी किचन लाइफ पकड़ने के भी तरीके हैं। अब मेरे पास मेरी किट में मैं दिखाता कि जो शेफ नाइफ है वो तो उसका साइज ये देख ले, बाजू से तकरीबन 2 फुट का वो नाइफ होता है, उसका ब्लेड तकरीबन 4 इंच का ब्लेड होता है। अब इतने बड़े नाइफ को यूज करने के लिए आपको स्किल चाहिए, तो इन स्कूलों में तो स्किल सिखाते नहीं है। मेरे पीछे किताबें पढ़ी हुई हैं कुछ, ये वो किताबें हैं जो मेरे स्कूल में भी पढ़ाते थे, मैं यहाँ बच्चों को भी देता हूँ। तो वो उन बच्चियों को जब मेरे पास वो आई और उनको इससे पहले भी मैंने देखा, तो वो स्कूलों वाले लाखों लेते, हजारों लेते काम नहीं, लेकिन उनको सिर्फ डिग्री दे देते हैं, अब उनके पास स्किल्स होते नहीं है जी। तो अगर आपकी कंपनी या आप मुझे हायर करना चाहते हैं, ये तो जो आपको पता कि बड़े स्कूल से आया जिसका नाम बड़ा स्कूल का, क्योंकि जैसे आपने मुझे कहा कि अच्छा खड़े हो गई कुछ करो काम, कुकिंग करो, तो मैं जीरो हूं, तो मेरा फ्यूचर तो आपके साथ जीरो हो गया, क्योंकि आपको तो नहीं चाहिए ऐसा बंदा। तो मेरे पास जो ज्यादातर बच्चे हैं, अगर किसी भी ना पाकिस्तान में किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाए तो तकरीबन कोई उनके बच्चा मुझसे पढ़ा हुआ ना उन रेस्टोरेंट्स में काम कर रहा है। मेरे पास से पढ़े हुए बच्चे अभी जितने भी 5 स्टार हैं, आप किसी का नाम ले लें, होटल का नाम ले लें, रेस्टोरेंट्स का नाम ले लें, मैं बहुत सौ के नाम ले देता हूँ, चले उनका मैं नाम नहीं लेता, वहाँ पर जो बच्चे खड़े हैं उनके एग्जीक्यूटिव शेफ वो मेरे पास से पढ़ के गए हैं। तो वो स्कूलों की बजाय अगर बच्चे पैसे ला जाया करें, कोशिश करें किसी अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाके शेफ से बात करें, वहां पे ट्रेनिंग करें, लेकिन तालीम जरूरी है साथ। हालांकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो अनपढ़ हैं, लेकिन ये है कि जब उनके पास तालीम नहीं होती तो फिर आगे जब बढ़ते हैं ना तो फिर उनको तनख्वाह मिलती है 50,000-60,000। अगर बच्चे ने एफ ए बी ए किया और साथ में उनसे काम सीखा है, उसकी तनख्वाह होती लाखों। तो ये आप स्कूल क्या पूछा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा लंबा जवाब दिया, लेकिन इसका जवाब यही है। अरे तो साहब आपने मुख्तलिफ नेशनल चैनल्स के साथ भी काम किया हुआ है, तो वो तजुर्बा आपका कैसा रहा, उस हवाले से थोड़ा बताइएगा। मुझे सबसे पहले 99 में अमजद बुखारी साहब थे जी, पीटीवी पे वो रिटायर हुए थे डायरेक्टर प्रोग्राम्स, उन्होंने मुझे बुला के तो मॉर्निंग शो के लिए कहा कि जी मेरे साथ था फारूक हसन था, तौसीक हैदर था, उसमें बहुत सारे नामी गामी जो उस वक्त थे वो लोग अपना हवाले शो करते थे। हमारा उसमें एक सेगमेंट था हर ट्यूजडे को ना, वो फूड ब्रेक के नाम से शो का जो सेगमेंट था उसका नाम था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे लाइव करना है, मैंने कहा ठीक कर देते हैं। वो बड़े परेशान, उन्होंने कहा जी आपने तो पहले टीवी पे कभी काम नहीं किया। मैंने कहा जी मैंने खाना ही बनाना है, मैंने कौन सा कोई हिसाब के सवाल का जवाब देना है, तो मैं खड़ा कर बना देता हूँ। तो इस तरह से फिर मैंने पीटीवी से शुरू किया, फिर जितने भी चैनल्स आपके ज़हन में आ सकते हैं ना, तकरीबन हियर देयर समवेयर उनके साथ मैंने काम किया। तो अभी आप कर रहे हैं किसी चैनल के साथ काम? मैं अमेरिका में था, आखिरी जो मैंने किया है वो मैंने पीटीवी और एटीवी के साथ किया था। अभी मैं टाइम टू टाइम मुस्लिम मॉर्निंग शो है उसमें चले गए, अभी K2 के साथ थोड़ा सा, मेरी दोस्त हैं जो मॉर्निंग वहाँ पे करती हैं शो उनके साथ भी। तो इस तरह से मैं मुख्तलिफ चैनल्स के साथ काम करता हूँ। तौकीर साहब अमूमी तौर पे जो है लोग शेफ को अच्छी नज़र से नहीं देखते, तो जब आपको इस शोबे का शौक हुआ कि आप होटलिंग की तरफ कुकिंग की तरफ आए, तो तब क्या आपको मुश्किलात फेस करनी पड़ी या आपकी फैमिली ने कितना सपोर्ट किया आपको? मुझे याद है कि मेरे
मेरी फैमिली को, हम जाट हैं, अच्छा, गांव में रहने वाले हैं जी। तो मुझे जब मैं टीवी पे मैंने काम किया, मेरे गांव वालों ने, शहर वालों ने देखा गोजरा टोपर टीक सिंह, तो मुझे आज भी याद है। तो मेरी मदर अल्लाह पाक ने जन्म नसीब करे, अभी पिछले साल वो उनकी फौत हुई है वो, तो मुझे आज भी याद है कि मेरी माँ को, मेरे चाचे चुचे थे ना जो कजन कुजन, अम्मा तो इतना पढ़ा के मुझे तो नहीं बनाता, ये एग्जैक्टली कोट है, तो ये मैंने पीटीवी पे पूछा था फारूक ने भी, ये कि जी आप इतना पढ़ लिख के तो आपने ये वर्ची वाला काम शुरू कर दिया, लेकिन अब खैर माशाल्लाह लोग उनको पता चल गया कि ये फील्ड जो है ना ये नाइयों की नहीं है और ना ये बवर्चियों की है, इसके लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। इस तरह के साइंस, इसे हम बोलते हैं फूड साइंस, जो जो लोग पढ़े लिखे हैं ना, जैसे आप होते हैं ना डॉक्टर ईएनटी से बोलते हैं, किस चीज का होता है ईएनटी, ईयर नोज़ थ्रोट, हम भी ये जुमला यूज करते हैं हमारी कुकिंग में, हम यूज करते हैं ईएनटी से डॉक्टर के, आप सुनते हो उससे जी, एल एयर आप देखते पहले, ठीक है, अगर आपको प्लेट आपके सामने खाने की आती है खूबसूरत लगती कि नहीं लगती, फिर आप नोज उसको स्मेल करते हैं, फिर आप फिर थ्रोट टी, तो उससे आप खाते हैं, तो हमारे भी वो ईएनटी कि किसी को अगर आपने शेफ बनाना ना तो आपने उसको ये साइंस समझा दी है कि भाई ये ईएनटी को फॉलो करना,